अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सर, देवास जिले के अंदर जो पटवारी हैं उनके खिलाफ एक जांच गठित हुई थी और कई ऐसे आरोप भी लगे थे, उसके बाद आपके द्वारा मामले को संज्ञान में लिया था और लगातार पटवारी के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी, आज पूर्व में दो और अब फिर कुछ 16 पटवारियों को निष्कासित किया गया, क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि लगभग 4 से 5 साल पहले जो राहत राशि का वितरण हुआ था उसके अंतर्गत कुछ अनियमितता हुई थी जिसकी सूचना CAG के द्वारा दी गई थी। सूचना प्राप्त होने के बाद जांच का गठित किया गया और जितनी भी अनियमितताओं की प्राथमिक सूचना हमको प्राप्त हुई थी वो सही पाई गई। उसके आधार पर पटवारियों को और कुछ बाबुओं को सस्पेंड किया गया था और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की गई थी। हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं श्री संजीव सक्सेना, उनकी अध्यक्षता में डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हमारी पूरी हुई और उनकी रिपोर्ट्स SDM को भेजी गई। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जो लोग असली में दोषी पाए गए उन पर संबंधित SDM के द्वारा कार्रवाई की गई है, जो क्रमशः सोनकच्छ में एक पटवारी पर, टुंगखुर्द में 2 पटवारियों पर, कन्नौद सब डिवीज़न में 4 पटवारियों पर और खातेगांव सब डिवीज़न पर 11 पटवारियों पर डिसमिसल कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 2 लिपिकों पर भी डिसमिसल कार्रवाई की गई है। इस प्रकार 18 पटवारी एवं 2 लिपिक को डिसमिस किया गया। कोई सर रिकवरी जैसा कुछ भी हुआ इसमें, क्षतिपूर्ति से रिलेटेड भी सर मेरे ख्याल से मामला है इसमें, तो इस तरह का आर्थिक अपराध जैसा कुछ बन रहा है, इनमें कोई केसेस वगैरह दर्ज हुए हैं? FIR पूर्व में दर्ज किया चुकी है, इसके अलावा रिकवरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के टाइम पर ही पूरी किया चुकी है। कितनी कुछ रिकवरी सर आई थी? रिकवरी का अमाउंट देखना पड़ेगा, बट जितनी रिकवरी थी वो सबके द्वारा पूरी की जा चुकी है। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो एक बड़ी कार्रवाई है और आगे अनियमितता को लेकर के एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा। हम आशा करते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई से सब सीख लेंगे, हमारे शासकीय सेवक सभी गंभीरता से ईमानदारी से काम करें और इस प्रकार यदि अनियमित कार्य करते हैं तो अवश्य आगे भी कार्रवाई होती रहेगी।